हेलो फ्रेंड्स, मैं सिल्फ अब्दुल्ला फिरोज, आई एम बैक विद अ न्यू वीडियो। और इस वीडियो में हम बात कर रहे होंगे कि 11th और 12th दोनों को हम साइमल्टेनियसली किस तरीके से मैनेज करें सो दैट हम नीट में बहुत अच्छे मार्क्स के साथ एक्सेल हो सकें। ये वीडियो 12th स्टडिंग एस्पिरेंट्स के लिए है, जिनको मैं ये बता रहा हूँ कि मतलब वो अपनी 12th स्टडीज़ के साथ 11th को किस तरीके से मैनेज करें सो दैट वो एग्ज़ाम में नीट में बहुत अच्छा परफॉर्म कर सकें। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स गेट बैक टू द पॉइंट। हम बात कर रहे होंगे इस वीडियो में ड्यूअल कवरेज मेथड के बारे में। किसके बारे में बात कर रहे होंगे? ड्यूअल कवरेज मेथड, यानी हम सिर्फ जैसे हम जैसे ट्वेल्थ में हैं, तो सिर्फ हमारे ट्वेल्थ का रिवीजन ना हो, ट्वेल्थ के साथ साथ इलेवेंथ का भी रिवीजन होता रहे। कि अगर सिर्फ ट्वेल्थ का रिवीजन होगा ना, तो फिर क्या होगा, लास्ट तक जाते जाते इलेवेंथ भूल जाएगा। तो हम कैसे ऐसा रिवीजन करें कि ट्वेल्थ भी हमें याद रहे, पिन पॉइंट पर रहे, और इलेवेंथ भी पिन पॉइंट पर रहे, तो उसके बारे में बात करते हैं। तो ड्यूअल कवरेज मेथड है, इसे आप फॉलो करेंगे तो बहुत इफेक्टिव रिजल्ट्स आएंगे। टाइम बचे हमारे पास 8 मंथ्स, इन्हीं 8 मंथ में जो करना है करना है। यार देखो, कुछ कम टाइम है, थोड़े टाइम है, 8 मंथ ज़्यादा नहीं होते, ठीक है। कुछ थोड़ा सा सेक्रीफाइस करोगे तो फिर ये वर्थ इट रहेगा, ठीक। कुछ दिन की बात है, उतना चलता है, थोड़ा सा आप सेक्रीफाइस करो तो जब आएगा रिजल्ट तो खुद ही आपको लगेगा हाँ, मेरा वो जो सेक्रीफाइस मैंने किए वो वर्थ इट थे। पहले हम बात करते हैं कि आप ट्वेल्थ में हो, तो ट्वेल्थ का तो रिविजन आप कर ही रहे होगे। कैसे करना है मैं आपको अप्रोच बताता हूँ। ट्वेल्थ का रिविजन डेली, रिविजन डेली, ट्वेल्थ का भी रिविजन करना है, इलेवेंथ का भी रिविजन करना है। ट्वेल्थ का रिविजन डेली कैसे करना है, आप जिस भी पर्टिकुलर कोचिंग में हो या फिर स्कूल्स में हो, तो हर सब्जेक्ट के लिए आप जो है वो टीचर फॉलो कर रहे होगे, तो उनका लेक्चर कर रहे हो। लेक्चर आपने अटेंड किया सबसे पहले, जिसमें टीचर ने थ्योरी कराई, साथ साथ क्वेश्चंस भी कराए, ठीक है। तो लेक्चर पहले अटेंड किया, उसके बाद आप क्या करना है, जब आप घर आते हो, घर आने के बाद सबसे पहले आप जब पढ़ने बैठो तो ट्वेल्थ का रिवीजन करना स्टार्ट करो। जो लेक्चर आपने किया है, फॉर एग्जांपल आज जो लेक्चर किया आपने, उस लेक्चर का आप रिवीजन करो, ठीक है। आप घर आए, आपने जो लेक्चर क्लास में कराया गया है उसका रिवीजन किया, थ्योरी का भी रिवीजन किया, क्वेश्चंस का भी रिवीजन किया। उसके बाद आपको किस पे जाना है, उसके बाद आपको जाना है उस, देखो एक दिन में तो कोई पूरा चैप्टर कोई टीचर पढ़ाएगा नहीं, एक दिन में कोई ना कोई एक टॉपिक कवर होगा, एक टॉपिक, दो टॉपिक, तीन टॉपिक कवर होगा, टॉपिक्स कवर होते हैं ना, उस पर्टिकुलर टॉपिक को आपको एनसीईआरटी थ्योरी से कवर करना है। एनसीईआरटी थ्योरी से आपने उस पर्टिकुलर टॉपिक को कवर करना है, ये थर्ड चीज़ हो गई। उसके बाद आपने अगर उस पर्टिकुलर टॉपिक में एनसीईआरटी में एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं, एग्जाम्पल्स देखिए बायो में तो नहीं दिया हुआ है, फिजिक्स में दिया हुआ है, केमिस्ट्री में दिया हुआ है, और ट्वेल्थ की केमिस्ट्री में इंटेक्स क्वेश्चंस भी दिए हुए हैं। तो एग्जांपल्स और इंटेक्स क्वेश्चंस, जो भी आपने टॉपिक पढ़ा अगर उसमें एग्जांपल दिया हुआ है तो उसे कर लीजिए, अगर इंटेक्स क्वेश्चन दिया हुआ है तो उसे कर लीजिए। यानी जो एनसीईआरटी थ्योरी प्लस एग्जांपल्स और इंटेक्स क्वेश्चंस है उसे आप कवर कर लीजिए उसके बाद। एंड उसके बाद आता है, अगर आप किसी कोचिंग में एनरोल्ड है तो आपको मॉड्यूल मिलता होगा, उस मॉड्यूल के उस पर्टिकुलर टॉपिक के क्वेश्चंस कर लीजिए। या फिर अगर आप स्कूल में पढ़ते हैं तो, या फिर आप मतलब स्कूल में एनरोल लें तो फिर आप किसी न किसी क्वेश्चन बैंक को फॉलो करते होंगे। जैसे मैंने पर्सनली मास्टर द एनसीईआरटी बुक को फॉलो किया था, उसका लिंक मैं दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, यू कैन गो एंड चेक आउट। मतलब वो बुक, उस बुक ने मुझे बहुत हेल्प किया पर्सनली, तो आई वुड रिकमेंड यू टू, अगर आपके पास मॉड्यूल है तो कोई दिक्कत नहीं, अदरवाइज आप क्वेश्चन बैंक अगर यूज़ कर रहे हो तो मास्टर द एनसीईआरटी यूज़ कर सकते हो, वो बहुत अच्छी है। तो आप क्या करना है भाई, एनसीईआरटी की थ्योरी एंड एग्जांपल कवर करने के बाद फिर आप गए मॉड्यूल या क्वेश्चन बैंक में, और जो टॉपिक उस दिन कवर हुआ है उस पर्टिकुलर टॉपिक के क्वेश्चंस आपने डन कर लिए, क्वेश्चंस उस पर्टिकुलर टॉपिक के क्वेश्चन भी डन हो गए हैं। अब आप ऐसा बोल सकते हो कि भैया उसमें मतलब जो मेरे पास मॉड्यूल है या क्वेश्चन बैंक है उसमें टॉपिक वाइज क्वेश्चंस नहीं है, कोई बात नहीं, आप ये इतना तो गेस कर सकते हो ना कि हर एक क्वेश्चन किस पर्टिकुलर टॉपिक से है। आप अब मॉड्यूल में या क्वेश्चन बैंक में मार्क कर दो कि ये क्वेश्चन इस टॉपिक से है, ये क्वेश्चन इस टॉपिक से है, सो दैट आपको इजीनेस रहे
वैसे भी एग्जाम में क्वेश्चन आएगा तो ऐसा लिख के थोड़ी आएगा कि इस टॉपिक से, इस चैप्टर से, वो आप खुद गेस करते हो ना इस चैप्टर के इस टॉपिक से। वो गेसिंग अगर अभी से रहेगी स्ट्रॉन्ग तो एग्जाम में अच्छा परफॉर्म कर सकते हो, तो आपके लिए प्लस पॉइंट हो गया। इतने चीज कवर की, उसके बाद ट्वेल्थ की भी बात चल रही है। जितना ट्वेल्थ आज कवर हुआ है उसी की बात चल रही है। जो आपने चार स्टेप कर लिए, ये चार स्टेप्स कर लिए आपने, उसके बाद क्या करना है आपको, ये टॉपिक वाइज पी वाई क्यूज करना है। आप बुक परचेज करिए टॉपिक वाइज पी वाई क्यूज की, ठीक है, और उसको आप सॉल्व करना स्टार्ट करिए। जो भी टॉपिक आपने आपने कवर हुआ है आज, जो भी, उसका आप पी वाई क्यूज कर लीजिए। सो ये आपका ट्वेल्थ का रिविजन, डेली रिविजन कम्प्लीट हो गया। ये आपका डेली रिविजन ट्वेल्थ का कम्प्लीट हो गया। तो इस तरीके से डेली आप आएंगे, जो भी सब्जेक्ट पढ़ाया गया है कोचिंग में या स्कूल में, उसका जो जो चीज़ पढ़ाई गई है पूरी चीज़ को आप कवर करेंगे। ये डेली ट्वेल्थ का रिवीजन हो गया, तो डेली ट्वेल्थ का रिवीजन कंप्लीट हो गया। इस तरीके से करना है। टाइम आप कितना टाइम दें उसमें, तो ऐसा कुछ फिक्स नहीं है, जितना पढ़ाया जाएगा वो डिपेंड करता है आप पे कि जैसे आप ये जब ये सब चीज़ें आप कर लो, उसके बाद फिर आप इलेवेंथ पे आओ। इतना आप कर लिए ट्वेल्थ, अब फिर आपको क्या, आपको क्या करना है कि ऑलमोस्ट डेली 2 घंटे, डेली ऑलमोस्ट आपको 2 आवर्स जो है वो निकालने हैं इलेवेंथ के रिवीजन के लिए। क्योंकि अगर आप इसे रिवाइज नहीं करोगे तो भूल जाएगा। डेली आपको 2 आवर तो निकालने पड़ेंगे इलेवेंथ के रिवीजन के लिए, 2 आवर कम से कम 2 घंटे निकालने पड़ेंगे, और 2 सब्जेक्ट्स पर डे करना पड़ेगा। इलेवेंथ के 2 सब्जेक्ट पर डे आपको करने पड़ेंगे। अब यहाँ पे एक चीज़ आती है कि क्या भैया 2 सब्जेक्ट्स जो करने हैं इन्हीं 2 घंटे में पूरा चैप्टर कवर करना है? नहीं, टॉपिक टॉपिक कवर करना है। इलेवेंथ का भी टॉपिक टॉपिक कवर नहीं, एक्चुअली रिवाइज करना है, क्योंकि आपको एक बार कवर कर चुके हैं। क्या करना है, आपने जो भी लेक्चर्स किए हैं उस टाइम पे उस चैप्टर को कवर करते हुए उसके नोट्स का रिविजन करना है सबसे पहले, ठीक है। कोई मतलब जैसे एक दिन में आप 2 सब्जेक्ट रखिए और 2 घंटे ऐसे डिवाइड करिए, 1 घंटा एक सब्जेक्ट को और 1 घंटा एक सब्जेक्ट को। तो अब ये 2 सब्जेक्ट आप जो रख रहे हैं, तो आप ऐसा करिए उसकी क्लास नोट्स का रिविजन करिए। आप ऐसे कर सकते हैं कि फिजिक्स केमिस्ट्री रख लिए एक दिन, फिजिक्स बॉटनी, एक दिन केमिस्ट्री बॉटनी, एक दिन केमिस्ट्री जोलॉजी, एक दिन फिजिक्स जोलॉजी, ऐसे करके, ठीक, अंडरस्टूड। तो ऐसे करना आपको, तो उस जो भी क्लास आपने अटेंड की थी उस टाइम पे उस पर्टिकुलर चैप्टर के लिए उसकी नोट्स का रिविजन करना है। उसके बाद आपको क्या करना है, उस पर्टिकुलर टॉपिक जो भी आपने कवर किया है, तो अब यहाँ पे एक टॉपिक मत कवर करिए क्योंकि आपने चीज़ कवर कर चुकी है पहले। जैसे फॉर एग्जांपल एक दिन आप लेके बैठे तो 1 घंटे में आपने 2-3 टॉपिक कवर कर लिए, ठीक है। तो उस 2-3 टॉपिक कवर करने के बाद उस पर्टिकुलर टॉपिक की एनसीईआरटी पढ़िए, थियोरी साथ में एग्जाम्पल या इंटरेस्ट क्वेश्चन दिए हुए हैं उससे कवर करिए, बाद में 2-3 है फिजिक्स या केमिस्ट्री में। उसके बाद क्या करना है आपको, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, रिवाइज क्वेश्चंस मार्क्ड वंस। मतलब क्या हुआ, जब आप उस टाइम प्रैक्टिस कर रहे थे, जब आप 11th में थे, उस टाइम जब आप किसी भी क्वेश्चन बैंक या मॉड्यूल सॉल्व कर रहे थे, जो क्वेश्चंस आपके स्टक हुए थे आपने उसे मार्क किया होगा। अगर मार्क नहीं किया होगा तो आपको पता भी होगा कि हाँ ये क्वेश्चन में फंसा था। उन क्वेश्चंस को आपको रिवाइज करना है। रिविजन कैसे करना है कि उन क्वेश्चंस को लेना है और उसको बैठ कर सॉल्व करना है पूरा। ऐसा नहीं कि इस क्वेश्चन में मैं ये चीज़ स्टक हुआ था बस ये चीज़ रिवाइज कर लिया। पूरा क्वेश्चन लेके बैठना है, उस क्वेश्चन को सॉल्व करना है, ठीक है। ये चीज़ आपको आपको फॉलो करनी है 11th के लिए। उसके बाद आपने जो भी टॉपिक कवर किए हैं 1, 2, 3 जितने भी टॉपिक कवर किए हैं 11th के, उस पर्टिकुलर टॉपिक के पी वाई क्यूज कर लें। तो ये आपका हो गया 12th का रिविजन और 11th का रिविजन जो डेली और डेली कवर। और इसके बाद आपका आता है चैप्टर कंप्लीट हो गया। जैसे डेली आप क्या करेंगे, डेली आप जो भी टॉपिक पढ़ाया जाएगा उस पर्टिकुलर टॉपिक का आपने 12th का रिविजन कर लिया, और किसी प्रीवियस टॉपिक जो जो 11th का था वो आपने कुछ टॉपिक्स कवर कर लिए। बट जब एक चैप्टर कंप्लीट हो जाता है कई टॉपिक्स के बाद, तो चैप्टर कम्प्लीशन के बाद आपको कुछ एडिशनल चीज़ें करनी है। जैसे दोनों के लिए, चाहे 11th हो या 12th हो, चैप्टर जब कंप्लीट होता है, जब जब ये डेली रिविजन आप जो कर रहे हो 11th का, उसके वो करने के बाद जब चैप्टर कंप्लीट हुआ तो क्या करना है, और 12th पे जब आप कर रहे हो डेली रिविजन वो कंप्लीट होने के बाद जब चैप्टर कंप्लीट हुआ तो आप क्या करोगे। 11th हो चाहे 12th हो, दोनों के लिए आपको क्या अप्रोच होना चाहिए चैप्टर कंप्लीशन के बाद,
बता रहा हूँ मैं आपको कि आपको फिजिक्स के लिए एनसीईआरटी बैक से एक्सरसाइज करना है। जो एनसीईआरटी फिजिक्स आप पढ़ोगे तो पीछे क्वेश्चंस दिए रहते हैं, एडिशनल, नॉन एडिशनल्स भी और एडिशनल्स भी, उनको आपको सॉल्व करना है। मतलब ऐसे मत सॉल्व करना कि खुद लेके बैठ गया सॉल्व करने, क्योंकि उसमें कुछ नई चीजें भी होती हैं। तो आप जो एनसीईआरटी सॉल्यूशंस हैं उसको लेके अंडरस्टैंड करिए। जो सिंपल क्वेश्चन है उसको ऐसे सॉल्व कर लीजिए, जो थोड़ा सा ट्रिकी लग रहे हैं, समझ नहीं आ रहे हैं, तो उसको उन सोल्यूशन से समझिए कि कैसे कैसे वो कर रहा है, और उसकी एक नोट्स बनाइए। मैंने प्रीवियस वीडियो में बताया था, ठीक। तो फिजिक्स के लिए आप एनसीईआरटी बैक एक्सरसाइज में आपको सॉल्व करना है, ओके। तो इसके बारे में मैंने बताया है प्रीवियस वीडियो में, यू कैन गो एंड चेक आउट, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा। उसके बाद ये चैप्टर जब कंप्लीट हो जाएगा, हो गया, मतलब आपने एनसीईआरटी बैक एक्सरसाइज कर ली, और केमिस्ट्री और बायो के लिए आपको कुछ और नहीं करना है। जैसे टॉपिक करते गए, चैप्टर कंप्लीट हुआ, उसके बाद कोई एक्सरसाइज क्वेश्चंस नहीं करने हैं। हाँ, अगर टाइम बच जाता है आपके पास डेली कवर करने के बाद, चैप्टर कंप्लीट करने के बाद, तो फिर आप कर सकते हैं उसको, ठीक है, बट नॉट मैंडेटरी, बट फिजिक्स के लिए मैंडेटरी। उसके बाद आपको देना है चैप्टर वाइज टेस्ट, एंड इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि आप जो भी चैप्टर पढ़े हो उसका टेस्ट दोगे तब तो आपको पता चलेगा ना रियलिटी चेक कि कितना मैं समझ पाया हूँ, कितना आउटपुट ले पाया हूँ उस चैप्टर से। तो इससे आपको रियलिटी चेक होना बहुत ज़रूरी है, ओके। उसके बाद आप जब कई चैप्टर्स कंप्लीट कर लेते हो, तो उसके बाद यूनिट वाइज टेस्ट, जो अगर आप अगर किसी कोचिंग में इनरोल्ड हो तो वहाँ पे तो ये टेस्ट होते रहते हैं, और अगर आप स्कूल में हो तो आप यूनिट वाइज टेस्ट, आप यूनिट वाइज टेस्ट जो है उसे एक्सेस करने की कोशिश करो या परचेज कर सकते हो, ओके। तो ये तो कोचिंग में होता रहता है, और आपको इस तरीके से चैप्टर वाइज टेस्ट और यूनिट वाइज टेस्ट आपको देना है जब तक आपका सिलेबस कंप्लीट नहीं हो जाता है, और जब सिलेबस कंप्लीट हो जाए उसके बाद आप फुल टेस्ट देना स्टार्ट कर सकते हैं, ओके। सो आई थिंक दिस इज क्लियर कि डेली कैसे आपको 11th का रिविजन करना है, तो 12th करने के बाद 11th करना है, ठीक है। और अगर आपको 12th आपने जैसे आज आपने 12th भी कवर कर लिया, 11th भी कवर कर लिया, और अभी टाइम बचा हुआ है, आप बैकलॉग कवर कर सकते हो जो आपको प्रीवियस चीज़ें बची हुई हैं, या फिर जो आपके ऐसे चैप्टर्स हैं जो वीक हैं उनको वो टाइम दे सकते हो, ओके, क्लियर। और एक और चीज़ है कि बहुत खुद को स्ट्रिक्ट नहीं करना, कि जैसे ये जितने भी मैंने अप्रोच बताए हैं, लेक्चर करो, फिर लेक्चर रिविजन करो, फिर एनसीईआरटी थ्योरी एग्जाम्पल्स करो, मॉड्यूल या क्वेश्चन बैंक, फिर टॉपिक स्पीड, सेम गोज फॉर 11th। अगर इसमें कोई स्टेप मिस हो जाता है, फॉर एग्जाम्पल आज मैंने 12th कवर किया, लेक्चर भी कर लिया, लेक्चर का रिवीजन भी कर लिया, एनसीईआरटी की थ्योरी एग्जाम्पल भी कर लिया, मॉड्यूल या क्वेश्चन बैंक के क्वेश्चन भी कर लिए उस पर्टिकुलर टॉपिक के, बट पीवाईक्यूज करने के लिए मुझे टाइम नहीं मिला, कोई बात नहीं। खुद को मतलब बहुत ऐसा मत रखो कि अगर आज मैं टॉपिक वाइज पीवाईक्यूज नहीं कर पाया तो मेरा सिलेक्शन नहीं होगा, मैं पीछे जा रहा हूँ, ये हो रहा हूँ, वो हो रहा हूँ, बहुत से थाट्स आते हैं। बट ऐसा नहीं कि एक दिन आप थोड़ा सा लो करेंगे तो मतलब आपका सिलेक्शन नहीं होगा, ऐसा कुछ होगा, सबसे होता है, वी आर ह्यूमंस, वी मेड मिस्टेक्स, उतना चलता रहता है कि हम उसको, कोई परफेक्ट नहीं है कि हम फर्स्ट डे से ही 100% फॉलो करने लगे और डेली 100% फॉलो करते रहें, ऐसा नहीं हो सकता है, ओके। तो मेरे साथ भी मतलब जब स्टार्टिंग में फॉलो करना स्टार्ट किया तो पहले 60% होता था कवर, ये जो स्केड्यूल है ये मेरा ही है, मैंने ऐसे फॉलो किया था, तो 60% ही कवर होता था फिर। और मतलब जैसे फॉर एग्जांपल आज आपने इस शेड्यूल का 60% आपने अगर अपने अपने डेली रूटीन में अप्लाई किया तो नेक्स्ट दिन मतलब सैड नहीं होइए, खुश होइए कि हाँ मैंने 60% अप्लाई किया इस रूटीन का। नेक्स्ट दिन, नेक्स्ट डे आप ये ट्राई करिए कि 65 डे मतलब 65% 70% आप मतलब इस रूटीन को अपने शेड्यूल में अप्लाई करने की कोशिश करिए। तो आई थिंक दिस इज क्लियर टू यू, वेरी क्लियर कि कैसे कैसे आपको 11th और 12th दोनों साइमल्टेनियसली मैनेज करना है। और लास्ट में एक मोटिवेशनल कोट आपको मोटिवेट करने के लिए, कीप आस्किंग योर सेल्फ हाउ बैड डू यू वॉन्ट इट, खुद से पूछते रहो कितनी शिद्दत से तुम चाहते हो इस स्टेथोस्कोप को अपने गले में, उस मेडिकल कॉलेज में जाने को कितनी शिद्दत से चाहते हो। क्योंकि अगर आप किसी चीज़ को बहुत बैडली वांट करते हो तो आप उतने ही एफर्ट पुट करते हो उसके लिए, फिर जो भी हर्डल्स आती हैं रास्ते में, फिर आप आपके लिए वो हर्डल्स नहीं रहती, फिर आप उन हर्डल्स को पार करते जाते हो। सो कीप आस्किंग योरसेल्फ हाउ बैडली डू यू वांट इट,
हाउ बैडली डू यू वॉन्ट स्टेथोस्कोप इन योर नेक. ओके, आई होप यू ऑल अंडरस्टूड जो मैंने ट्राई किया कन्फर करने के लिए कि ड्यूअल कवरेज स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए आपकी 11th और 12th के साइमल्टेनियस डिवीजन के लिए. ट्राई टू अप्लाई दिस इन योर रूटीन. कीप स्टडिंग, बी काम एंड बी कंपोज्ड. विश यू ऑल द बेस्ट. थैंक यू.